हेलो एंड वेलकम टू स्ट्रेट लाइन। मेरे साथ हैं जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन मिस्टर आर के छिब्बर। और अब नया साल है, नए साल में बात करेंगे जम्मू कश्मीर बैंक की क्या पोजीशन है और साथ ही में रिक्रूटमेंट को लेकर भी बातचीत होगी। मिस्टर छिब्बर, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगी कि इस टाइम में, कोविड के टाइम में, जहां पर ले ऑफ्स हो रहे हैं, लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है, वहां पर जम्मू कश्मीर बैंक ऐसा बैंक है जहां पर रिक्रूटमेंट की जा रही है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? मैं एक चीज यहां से क्लियर कर दूं कि जेके बैंक बिजनेस कर रहा है, जैसे मैं बार बार ये बोलता हूँ, आज की डेट में ऑन एवरी वर्किंग डे वन ऑफिशियल फ्रॉम द जे एंड के बैंक इज रिटायरिंग। उसका गैप को फिलअप करने के लिए दूसरा बिजनेस हमारा ग्रो कर रहा है। विद इन जे एंड के यूटी जो हमारी ग्रोथ है, दैट इज मोर देन 15%। तो उसको ध्यान में रखते हुए फ्यूचर एक्सपेंशन का भी माइंड में रहता है, उस वजह से हम वी आर गोइंग हेड विद द रिक्रूटमेंट। अब जम्मू कश्मीर बैंक की पोजीशन के बारे में अगर बात करूँ तो डिपॉजिट्स की क्या पोजीशन है, डिपॉजिट्स के अलावा जो NPAs हैं, इस समय जो फाइनेंशियल पोजीशन बैंक की है वो क्या है? ओवरऑल हमारे जो डिपॉजिट हैं वो ग्रो कर रहे हैं डबल डिजिट, वो सेम पोजीशन हमारे एसेट साइड भी है, एडवांस साइड भी है, वो भी हमारी ग्रो जो है डबल डिजिट है विद इन जे एंड के यूटी एंड लद्दाख। दूसरा, जो आप NPA की बात करें, दैट इज क्वाइट मैनेजेबल। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे NPA बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नई स्कीमें आई हैं, जो भी हम फ्रेश फैसिलिटी दे रहे हैं उस स्कीम के अंडर, आज की डेट में भी हमने 1,750 करोड़ से ज़्यादा की फैसिलिटी फ्रेश दी हुई है। दैट इज टोटली ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें हमने 50,000 के करीब लोगों को फ्रेश फैसिलिटी दी है, ताकि वह भी अपना जो बिजनेस है रिवाइव कर सकें और आगे मूव कर सकें। की पैकेजेस अनाउंस किए गए सरकार के द्वारा और बैंक ने जो है वो लोन्स दिए हैं स्मॉल बिजनेसेस को भी और स्ट्रीट वेंडर्स को भी, तो क्या आपको लगता है कि इस टाइम में, कोविड के टाइम में, जहां पर लोगों के पास जब लोन का पैसा आता है तो वो पहले कोशिश करते हैं कि जो हमारे उधारी है पुरानी, पहले उसे चुकाया जाए, फिर अगर बिजनेस नुकसान में चल रहा है तो उसे थोड़ा रिवाइव किया जाए, जब तक प्रॉफिट नहीं आएगा तब तक वो लोन रिपेमेंट कैसे करेंगे? तो ऐसे में आपको लगता है कि NPA सर्ज होने के चांसेस हैं? देखिए, जो बिजनेस एथिक्स हैं, जो इमोशनली लोग अटैच हैं मेरे साथ, जेके बैंक के साथ हैं, अगर आज के हालात में हम उनकी सपोर्ट नहीं कर पाए, अगर हम यही सोचते रहेंगे कि ये कैसे इनकम बढ़ाएंगे, कैसे अर्न करेंगे, बैंक का देंगे या अपने पुराने डेट्स क्लियर करेंगे, दैट इज नॉट द केस। पिछले 2-3 महीने से इकोनॉमिक एक्टिविटी मूवमेंट पे हैं, लोगों ने अपना बिजनेस कारोबार दोबारा करना शुरू कर दिया है, उसी को हमने साइकिल रिवाइव करने के लिए वर्किंग कैपिटल के शेयर में या टर्म लोन के शेयर में लोगों को हम सपोर्ट कर रहे हैं कि दे शुड अगेन कम टू द ट्रैक, दे शुड आल्सो ग्रो, अल्टीमेटली बैंक विल डेफिनेटली ग्रो। अब मैं बात करूँ अगर रिक्रूटमेंट की, तो रिक्रूटमेंट में आप कैसे कोशिश कर रहे हैं कि जैसे पहले कॉन्ट्रोवर्सीज हुई वो कॉन्ट्रोवर्सीज दोबारा अराइज ना हो, किस तरीके से आप ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि ये भी इंसिडेंट हुआ कि जब PO के प्रीलिम्स का रिजल्ट आया तो बहुत सारे लोगों ने आवाज़ें उठाई कि आप स्कोर कार्ड क्यों नहीं दिखा रहे हैं एस्पिरेंट्स को, जम्मू कश्मीर बैंक छुपाने की क्या कोशिश कर रहा है? तो क्या कहना चाहेंगे, कैसे जम्मू कश्मीर बैंक इंश्योर कर रहा है कि रिक्रूटमेंट में ट्रांसपेरेंसी हो? ये मैंने पहले भी आपको माध्यम से लोगों को इन्फॉर्म किया था कि आई श्योर के 100% ट्रांसपेरेंसी इसमें होगी। जो भी रूल्स गाइडलाइंस हैं उसी के मुताबिक हम आगे मूव कर रहे हैं। हम दो किस्म की रिक्रूटमेंट कर रहे हैं इस बार, राधा तीन किस्म की, बैंकिंग एसोसिएट, प्रोबेशनरी ऑफिसर एंड स्पेशलाइज ऑफिसर आल्सो। बैंकिंग एसोसिएट का जो है लाइक अदर पेपर लाइक प्रोबेशनरी ऑफिसर आल्सो IBPS एग्जाम कंडक्ट करेगा। बैंकिंग एसोसिएट का जो मेरिट आएगा वहाँ पे, कोई इंटरव्यू नहीं होगा उसके ऊपर, जो टॉप पे लोग आएंगे उनकी सिलेक्शन जो है ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इसी तरह प्रोबेशनरी ऑफिसर का जो है वो भी IBPS पेपर ले रहा है, जो अभी मेन पेपर में जिसके स्कोर आएंगे वो प्लस इंटरव्यू ऐड करके जो टॉप पे लोग आएंगे दे विल बी सिलेक्टेड इन द J&K बैंक। तो मैं दोबारा यही बात आपके माध्यम से लोगों को पहुंचाऊंगा कि मिडिल मैन की बातों में मत आओ, रूमर में मत आओ। आई अश्योर यू ऑन द बिहाफ ऑफ माई मैनेजमेंट टीम कि इस बार, पिछली बार भी मैं कह रहा था, इस बार जो है 100% ट्रांसपेरेंसी होगी, किसी किस्म के कैंडिडेट को परेशानी की जरूरत नहीं है। दे शुड ओनली फोकस ऑन द रिटन टेस्ट एंड द इंटरव्यू। क्योंकि रिक्रूटमेंट जो है वो IBPS करवा रहा है, आप ये इंश्योर करें हैं कि जम्मू कश्मीर बैंक के लेवल पर किसी भी तरीके की इन्वॉल्वमेंट जो है वो रिक्रूटमेंट के दौरान या एग्जाम्स के दौरान नहीं होगी। मैं अश्योर करता हूँ मैनुअल इंटरवेंशन बिल्कुल नहीं फ्रॉम द साइड ऑफ J&K बैंक। IBPS, नथिंग मोर देन दैट, नो मैनुअल इंटरवेंशन फ्रॉम द J&K बैंक
इन द रिटन टेस्ट। शेयर प्राइस की भी बात करेंगे कि पिछले कुछ दिनों में यही देखने को मिल रहा है कि शेयर प्राइस भी उछाल मार रहा है, कि जम्मू कश्मीर बैंक का शेयर प्राइस इंप्रूव कर रहा है, तो अगले क्वार्टर में यानी कि जब तक फाइनेंशियल ईयर एंड नहीं होता तब तक आप क्या देखते हैं शेयर प्राइस की क्या पोजिशन होगी? जैसे आपको आइडिया ही है कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हम लास्ट पे थे, इस फाइनेंशियल ईयर में हमारा जून में भी प्रॉफिट है, सितंबर में भी प्रॉफिट है, बाकी हमारे पैरामीटर्स भी अच्छी तरीके से मूव कर रहे हैं। आई एम फर्म बिलीव के फ्यूचर में भी हमारे ये सारे पैरामीटर ठीक होंगे, प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी होगी, तो डेफिनेटली मार्केट रिएक्ट अकॉर्डिंगली। तो एक्सपेंशन को लेकर भी जम्मू कश्मीर बैंक ने कहा था कि जम्मू कश्मीर बैंक विल बी फ्लाइंग टू यूरोप, तो फॉरेन में ब्रांच खोलने के कितने चांसेस हैं और अदरवाइज भी जो नई ब्रांचेस है कितनी नई ब्रांचेस आप खोलने जा रहे हैं? आज की डेट में हमारे पास JNK UT में कुछ 1770 अनबैंक्ड एरिया हैं, वो इस फाइनेंशियल ईयर में हम सारे के सारे कवर कर लेंगे। मुझे लगता है कि प्राइड टू दैट वी विल कवर ऑल द अनबैंक्ड एरिया। तो अभी अब्रॉड जाने का फॉर द टाइम बिंग कोई उम्मीद लग नहीं रही बिकॉज ऑफ COVID-19 ऑल दैट, अदरवाइज आई एम ऑलरेडी हैविंग द माइंड कहीं यूरोप में या कहीं अरब में अपनी ब्रांच खोलेंगे, बट दैट डिपेंड्स अपॉन द रेगुलेटरी परमिशन आल्सो। साथ ही में जम्मू कश्मीर बैंक ने यह भी कहा था कि आम लोगों से जो है वो कैपिटल रेस किया जाएगा, लगभग 4500 करोड़ रेस करने की बात की गई थी। तो इस टाइम मैं आपसे समझना चाहूंगी कि क्योंकि COVID-19 की वजह से ऑलरेडी जो माली हालत है लोगों की वो जो है वो थोड़ी सी कमजोर है, इसके चलते क्या आपको लगता है 4500 करोड़ रेज अप कर पाना लोगों से पॉसिबल हो पाएगा और क्या लोग इस टाइम में जम्मू कश्मीर बैंक में इन्वेस्ट करेंगे? देखो 4500 करोड़ का इसके काफ़ी स्टेजेस हैं, कोई चीज़ें हमने सेल करनी है, कोई हमने इक्विटी शेयर करना है, कुछ हमने बॉन्ड्स भी इशू करेंगे, ये सारा प्रोसेस चल रहा है। वेन एवर वी फाइंड द सूटेबल टाइम डेफिनेटली वी मोबिलाइज दैट पर्टिकुलर सेगमेंट। साथ ही में सरकार की स्कीम्स की भी मैं बात कर रही थी, तो मैं जानना चाहूँगी कि बैक टू विलेज जो प्रोग्राम हुआ उसमें जम्मू कश्मीर बैंक का क्या रोल रहा? तो बैक टू विलेज का ये था कि उसमें ब्यूरोक्रेट्स जो थे हर एक विलेज में गए थे, तो JK बैंक भी शाना बशाना नुकसान चलता रहा, वही उसके बिल्कुल शॉर्टर पीरियड में यू विल बी सरप्राइज कि हमने 15,000 नए लोगों को लोन दिया टू क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट, उन लोगों को जॉब मिले काम करने के, चाहे वो स्मॉल बिजनेस था, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का था, चाहे कोई छोटी इंडस्ट्री लगानी थी, तो 15,000 लोगों को हमने नए लोगों को बैंक के साथ जोड़ा और अराउंड 250 करोड़ से ज़्यादा हमने अब JK बैंक की तरफ से हमने एक क्रेडिट फैसिलिटी भी दी है। मैं बात करती हूँ इन सरकारी स्कीम्स की, तो इन स्कीम्स में जो जम्मू कश्मीर बैंक ने रोल प्ले किया है ये भी सुनने में आया कि एक प्रेजेंटेशन उसकी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दी, तो जब आप ये आपको ये सुनने में आता है तो आपको कैसा लगता है? ये तो मैं पूरा जो JK बैंक की फैमिली है हमारे जिसमें मोर देन 12,000 पीपल हैं, जब उनको ये बात पता चली, जब उन्होंने खुद सुना तो इतना कॉन्फिडेंस हमारा पैदा हो गया, एनर्जी इतनी हमारा रीअनलाइज हो गए। लोग कहते हैं कि मेरा स्टाफ ये कहता है कि रियली दोज पीपल हुआ सेट सिट एट द हेम ऑफ द अफेयर, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया हमारी एफर्ट और इन फ्यूचर विद मोर एनर्जी वी विल ट्राई टू अकोमोडेट वी ट्राई टू सर्व द पीपल ऑफ द JNK UTP इन पर्टिकुलर एंड द इंटायर इंडिया ऑल्सो। पूरी कंट्री की बात करें तो वहाँ पर बैंकिंग सिनेरियो थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट दिख रहा है, ये भी देखने को मिल रहा है कि बड़े बड़े बैंक्स तक मर्जर कर रहे हैं ये इंश्योर करने के लिए कि वो प्रॉपर बैंकिंग फैसिलिटीज जो हैं वो लोगों को प्रोवाइड कर सकें। इस मामले में जम्मू कश्मीर बैंक इन बाकी बैंक से किस तरीके से डिफरेंट है और साथ ही में क्या कोई मर्जर की पॉसिबिलिटी नियर फ्यूचर में दिख रही है? हमने फोकस अब किया है रिटेल एडवांसेस के ऊपर, कॉरपोरेट हम एडवांस कर रहे हैं लेकिन वेरी सिलेक्टिव बेसिस पे जिनकी रेटिंग बहुत अच्छी है। जब हमारा रिटेल बेस हमारा स्ट्रांग हो जाएगा, रिटेल बेस पे हम आगे चल रहे हैं तो हमें उसमें सेटिस्फेक्शन ही है और रिटर्न भी बहुत अच्छी है। बाकी मर्जर तो JNK बैंक किसी के साथ मर्ज हो नहीं सकता, वेट फॉर सम टाइम अदर बैंक विल मर्ज विद JNK बैंक। आखिरी सवाल छिब्बर साहब से समझना चाहूंगी कि कस्टमर सर्विस की जहाँ तक बात आती है, कस्टमर सर्विस में सुधार लाने के लिए आप क्या कुछ कदम उठा रहे हैं? कस्टमर सर्विस द पैरामाउंट फोकस ऑफ द JNK बैंक। हम हर महीने में हर ब्रांच को हमारी डायरेक्शन है कि एक कस्टमर मीट किया कीजिए, बिकॉज ऑफ COVID-19 हम नहीं कर पाए, नो वी हैव अगेन स्टार्टेड ताकि रेगुलरली हम इंट्रैक्शन करें कस्टमर के साथ। और कस्टमर सर्विस के ऊपर हमारी स्पेशल मीटिंग बोर्ड में भी होती है, वहाँ पे भी जो हमारे गैप्स होते हैं जब उनसे जो बोर्ड से हमें गाइडेंस आती है तो वी ट्राई टू इम्प्लीमेंट एट द ऑपरेशन लेवल आल्सो।
कीपिंग इन विद ओवरऑल कॉम्पिटिटिव सिनेरियो इन द बैंकिंग इंडस्ट्री। थे मेरे साथ जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन मिस्टर आर के छिब्बर।